अगर आपके दिमाग के कुछ हिस्से निकाल दिए जाएं, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? दोस्तों, ये किस्सा है हेनरी मोलाइसन नाम के एक आदमी का, जिसको 7 साल पर एक साइकिल के एक्सीडेंट में सर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसको सीजर्स यानी दिमागी दौरे पड़ने लगे थे। जब वो 27 साल का हुआ, तब वो सीजर्स इतने बढ़ गए थे कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहा था। फिर थक हार के 1953 में हेनरी मोलाइसन ने एक एक्सपेरिमेंटल इलाज के लिए हाँ कर दिया, जिसमें उसके दिमाग से कुछ हिस्से निकाल दिए गए। ये सर्जरी सक्सेसफुल रही एंड हेनरी के सीजर्स भी चले गए, लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई, जो थी न्यू मेमोरीज को ना बना पाना। हेनरी मोलाइसन को सर्जरी के पहले का सब कुछ याद था, लेकिन सर्जरी के बाद का कुछ भी नहीं, और ना ही वो नई यादें बना पाता था और ना ही कुछ नया याद रख पाता था। हेनरी मोलाइसन की दिमाग की यूनिक कंडीशन को साइंस की दुनिया में बहुत अट्रैक्शन मिला, जिसके कारण उनको एक संस्था में रखा गया जहां उनको मॉनिटर किया जाता था। फिर सन 2008 में हेनरी मोलाइसन की मृत्यु हो गई एंड इसके बाद उनके दिमाग को कंजर्व किया गया एंड उस पर रिसर्च हुई, जिससे इंसानी दिमाग के काम करने की नई नई नॉलेज साइंटिस्ट को मिली।